हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। झोला छाप डॉक्टर ने ली मासूम बच्ची की जान, पुलिस ने मामला दर्ज कर की जांच शुरू। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र गागरिया गडरा रोड तथा रामसर एम चौटन में पिछले कई दिनों से झोला छाप डॉक्टरों का सरेआम क्लिनिक लगाकर भारी दो ज की दवाइयां असमझ स्थिति में देकर मरीजों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज गागरिया क्षेत्र में एक झोला छाप डॉक्टर ने 12 वर्ष की मासूम बच्ची के कान में दर्द होने पर इलाज करने के बहाने भारी डोज का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मासूम अमीनात अबे का पान निवासी कासम खान की पुत्री तकरीबन 12 बजे कान में दर्द होने के कारण अपनी मां के साथ झोला छाप डॉक्टर मुकेश कुमार पुत्र भावर लाल के वहां पहुंचकर इलाज करवाने लगी। वहीं झोला छाप डॉक्टर मुकेश कुमार ने भारी डोज का इंजेक्शन लगाकर इलाज करने लगा। थोड़ी देर बाद मासूम बच्ची के मुंह से गोगी आने लगी। वहीं बच्चे को अबे के पास से गागरिया चिकित्सालय में लाया गया, जहां रेफर किया गया। बाड़ में पहुंचते ही मासूम बच्ची दम तोड़ दिया। परिजनों ने मामला दर्ज करवाकर झोला छाप डॉक्टर मुकेश कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में मामला दर्ज कर पुलिस थाना रामसर में जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मोचरी में शव का पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार हो चुका है। पुलिस टीम झोला छाप डॉक्टरों को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। जागरूक टीवी की वार्ड में से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।